क्या है आपका? गुड्डू पिपल पिपल जी, क्या मामला है ये? ये मेरे भाई का मर्डर केस का मामला है। कहाँ नाम है भाई का? जितेंद्र कुमार पिपल। कहाँ के रहने वाले हैं? नगला बैरी काले टोरा आगरा। पिताजी का क्या नाम है? श्री ओम प्रकाश। आपको कैसे जानकारी हुई? जी इसकी घटना मेरे चाचा के लड़के ने दी थी। कैसे जानकारी दी थी? ये बताया था कि पहले चौकी पे चलो, कोई सूचना आई हुई है। और तो क्या बताया गया आपको, कहाँ सब मिला है उनका? उनका सब यहाँ फंस गए खेड़ा के पास बताया जा रहा है। तो क्या लग रहा है आपको, क्या लग रहा है ये मर्डर केस? नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश भारत न्यूज चैनल पर समाचार। मैं रामगोपाल धनगर। देखिए हर खबर जनादेश भारत न्यूज चैनल पर सबसे तेज सबसे पहले। हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आइए एक नजर डालते हैं आज की ताजा खबर। आगरा की ब्रेकिंग न्यूज। आगरा नहर किनारे खेत में शव मिलने से क्षेत्र में फैली सनसनी। 45 वर्षीय मृतक की शिनाख्त इटौरा निवासी जितेंद्र के नाम से हुई। मृतक जितेंद्र के सिर पर है चोट के काफी गहरे निशान। परिवारी जनों ने जताई हत्या कर शव को फेंके जाने की आशंका। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। आप देख रहे हैं जनादेश भारत न्यूज चैनल पर हमारे सहयोगी संवाददाता विजय बघेल की यह लेटेस्ट खबर हिंदी में। आगरा के थाना सदर रोहता नहर के पास मिला शव। बाइट मृतक का भाई। क्या है आपका? गुड्डू पिपल। पिपल जी, क्या मामला है ये? ये मेरे भाई का मर्डर केस का मामला है। कहाँ नाम है भाई का? जितेंद्र कुमार पिपल। कहाँ के रहने वाले हैं? नगला बैरी साले टोरा आगरा। पिताजी का क्या नाम है? श्री ओम प्रकाश। आपको कैसे जानकारी हुई? जी इसकी घटना मेरे चाचा के लड़के ने दी थी। कैसे जानकारी दी थी? ये बताया था कि पहले चौकी पे चलो, कोई सूचना आई हुई है। और तो क्या बताया गया आपको, कहाँ सब मिला है उनका? उनका सब यहाँ फंस गए खेड़ा के पास बताया जा रहा है। तो क्या लग रहा है आपको, क्या लग रहा है ये मर्डर केस है सर पूरा? अब क्या चाहते हो आप पुलिस से? जस्टिस। अच्छा, तो कै बजे निकले थे घर से, कुछ जानकारी है? जी सुबह 8 से 9 बजे के बीच में निकले थे और शाम को 8 से 9 बजे के बीच में ही आ जाते हैं। पर डे उनका यही रिटर्न रहता है। तो कल पहुँचे नहीं पहुँचे? जी कल नहीं पहुँचे। फिर आपको जानकारी कब हुई है? जी आज सुबह ही जानकारी हुई है। तो पुलिस वहाँ पर पहुँची थी? नहीं, पुलिस वहाँ पर नहीं पहुँची। आपको जानकारी किसने दी है? हमें जानकारी मेरे चाचा के लड़के ने दी है।